सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग कैमलिन की तरफ से 18 सेट्स वाला जो पोस्टर कलर है उसका हम फुल अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करने वाले हैं और सीट्स के ऊपर टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ कि मतलब एक्चुअल में कलर कैसे हैं क्या नहीं, और लास्ट में आपको उसका प्राइस वगैरह साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। और साथ में हम एक पेंटिंग भी करने वाले हैं उसी कलर से, मतलब कलर्स भी अच्छे हैं या नहीं मैं पेंटिंग करके दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली थी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए गाइस, देरी ना करते बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, कैमल कलर का 18 सेट्स वाला पोस्टर कलर, और यहाँ पे फ्री पैलेट एंड ब्रशेस भी लिखा है, और साइड में यहाँ पे रिच कलर एंड स्मूथ फ्लो भी लिखा है। फ्रेंड्स, साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स क्या है इसका कलर्स वगैरह क्या नहीं, इसका प्राइस वगैरह। यहाँ पे फ्रेंड्स कोक्यो कैमलिन लिमिटेड भी लिखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन लोग का एड्रेस वगैरह है, यहाँ पे कस्टमर केयर सेल टू मैनेजर एड्रेस वगैरह भी है, कस्टमर का कॉल नंबर भी है, ईमेल भी आप कर सकते हो कोई क्वेरी हो तो। और यहाँ पे नेट क्वांटिटी फ्रेंड्स लिखा है 18 सेट्स। यहाँ पे जो बोतल्स में जो क्वांटिटी है वो 10 ml की रहेगी, विथ इन वन पैलेट एंड वन ब्रश एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लिखा है, मतलब इसमें एक पैलेट भी है और ब्रश भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ISI का जो निशान रहता है वो भी फ्रेंड्स, मतलब ये कि जेन्यून है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फ्रेंड्स पोस्टर कलर कैमल की तरफ से, इसका MRP यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है 265 rupees, और यहाँ पे फ्रेंड्स USP पर मतलब 14.72 पर नेट क्वांटिटी लिखा है, एक बोतल का 14.72 rupees रहेगा फ्रेंड्स। और मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स 06/2023, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 6 month 2023 में। और यहाँ पे मेड फॉर ओनली चिल्ड्रंस लिखा है, मतलब एजिस 3+ वार्निंग, मतलब कि 3+ के ऊपर के ही बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। कैमल आर्ट कॉन्टैक्ट एंट्री लेबल एंड इनसाइड, मतलब ये कैमल की तरफ से ही आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन लोग का बारकोड भी दिया गया है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो इसके वेबसाइट पे जाकर के ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसका ओवरऑल इंटीरियर इसका लुक कैसा होता है क्या नहीं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लुक वाइज फ्रेंड्स ऐसा दिखता है, एक पैलेट आता है और एक ब्रशेस आपको फ्री में मिलता है इसके साथ, जिसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। सबसे पहले ये ब्रश मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ब्रश जो कि 0.4 का है कैमलिन का तरफ से, काफ़ी बढ़िया है ये भी फ्रेंड्स। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, फ्री में मिलता है इसके साथ आपको, बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। देख सकते हो यहाँ पे ब्रश काफ़ी बढ़िया है। अभी फ्रेंड्स ब्रश को साइड में रखते हैं और पैलेट को दिखा देता हूँ आपको कैसा आता है। देख सकते हो फ्रेंड्स ये है पैलेट, पैलेट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। एक्चुअल में मेरे को एक पैलेट की ज़रूरत ही थी, जो बहुत सारा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कैमलिन को, जो इसके साथ मेरे को एक पैलेट फ्री में मिला। मेरे पास बहुत सारा पैलेट पड़ा है लेकिन मैंने कहाँ रख दिया मेरे को भी याद नहीं है। एक्चुअली मैं क्या हूँ कि पेंटिंग करते टाइम पेंटिंग तो ख़त्म कर लेता हूँ लेकिन जो कलर्स रहते हैं वो इसमें ही रह जाते हैं, इसकी वजह से फिर से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसको फिर क्लीन करना पड़ता है बहुत सारा, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स इसका क्वालिटी चेक कर लेते हैं, ये प्लास्टिक का आता है। चलिए फ्रेंड्स इसको साइड में रख लेते हैं और दूसरा वाला। यहाँ पे फ्रेंड्स कैमल की तरफ से ये एक पर्ची दिया गया है जिसमें एंट्री लेवल केबल आर्ट कॉन्टैक्ट भी लिखा है, पोकियो की कैमलिन लिमिटेड लार्जेस्ट आर्ट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है, इसका वेबसाइट भी दिया गया है, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हो। बाकी साइड में यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, STD, मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कौन सा आपके कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, एड्रेस वगैरह आप लिख के, छोटे बच्चों के लिए रहता है, आप मतलब चाहे तो इसमें फिलअप कर सकते हो, नहीं तो इसको साइड में रख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये बोतल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लुक ओवरऑल कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स। बाकी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक बोतल। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं येलो कलर निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे मैं येलो कलर बाहर निकाल रहा है एक बोतल, देख सकते हो फ्रेंड्स कैमल की तरफ से पोस्टर कलर। बाकी साइड में यहाँ पे फ्रेंड्स इसका पूरा डिटेलिंग दिया गया है कि मतलब ये कितने ML का बोतल है क्या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कैमल 10 ml लिखा है, मतलब ये बोतल है इसमें नेट क्वांटिटी है 10 ml की, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इसमें 10 ml का नेट क्वांटिटी, वही अपने को जानना है कि कितने ml की बोतल है। तो फ्रेंड्स ये 10 ml की बोतल है, बाकी मैं एक एक बोतल निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसा आता है। यहाँ पे जो पैकेजिंग इन लोगों ने की है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि ये दो
उसमें रख लिए हैं, जैसे कि बॉटल आपस में टकरा के टूट ना जाए, ये काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स एक एक बोतल निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा आता है। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे 18 सेट्स था, वो मैं एक एक लिख दिया है यहाँ पे कौन कौन सा कलर आता है उसके लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कलर्स को बाहर निकाल के, कि कलर एक्चुअल में अच्छे हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों के मैं रिव्यूज़ पढ़े हैं मेरे पिछली वाली वीडियो में कि कैमल का अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये वीडियो देख के आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कैमल का कलर अच्छा आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक एक कलर्स को यहाँ पे रख दूँगा, जो जो कलर्स के ऊपर सीट पे है वो। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैं सारे कलर्स को रख दिया है। अब फ्रेंड्स मैं वन बाय वन एक एक कलर्स आपको दिखाऊंगा कि कलर्स कैसा होता है, एक एक कलर्स मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा सीट्स के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप जब भी नए फ्रेश बोतल को ओपन करते हैं तब ऐसा ही रह जाता है, ऊपर पूरा लिक्विड रहता है और नीचे से पूरा गाढ़ा रहता है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद ये ओपन होता है इसीलिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको फिर से इसको बंद कर देते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में कि सारे कलर्स को शेक कर देना है, पहले तो ऐसे करके पूरा शेक कर देना है और वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऐसे करके शेक करने के बाद इसको ओपन करना है, फिर इसमें क्या करना है कि ऐसे करके एक ब्रशेस को घुमा देना है, वो अच्छे से शेक हो जाए अंदर से भी। ये अच्छे से शेक हो गया है फ्रेंड्स, अभी इसको कहीं पे भी किसी पे भी सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे ही पूरे कलर को शेक करके बाद ही अच्छे से यूज़ करो, नहीं तो क्या होता है कि ऊपर का लिक्विड खाली रह जाता है और अंदर का गाढ़ा कलर है वो उसके साथ मिक्स ही नहीं होता। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे लेमन येलो नींबू पीला वाला रंग है, जो हल्का हल्का सा ही आया है वो परफेक्ट ही आया है। देख सकते हो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। और यहाँ पे मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूँगा कि कलर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे नींबू येलो ये वाला कलर से जहाँ पे मैच हो रहा है फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट आया है। मतलब यहाँ पे जो कलर्स है वो काफ़ी बढ़िया है इसके, और यहाँ पे जो साइड में है वाइट वो भी काफ़ी बढ़िया है, जो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे फ्लावर पड़ा है सेम उसकी तरह, मतलब कि वाइट वाइट ही है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे सतालू, सतालू करके एक फ्रूट आता है जिसका मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको ऐसा कलर का, तो ये इस कलर भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एकदम हल्का हल्का सा ही है, एकदम फुल कलर गाढ़ा नहीं है। मतलब क्वालिटी थोड़ा इसका डाउन लग रहा है मेरे को, बाकी ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे अच्छा है। मतलब कि आप बिगिनर्स हो तो ठीक ठाक है कलर्स, वरना इतना ये सतालू वाला कलर है वो अच्छा नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। और यहाँ पे येलो और से पीला गेरुआ, मतलब ये वाला जो अपने पास जो चीकू आता है फ्रूट में उसके तरह ही रहता है। देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स में आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला ऐसा रहता है। यहाँ पे गोल्ड सोना, मतलब ये वाला, मतलब गोल्ड सोना, तो यहाँ पे जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। गोल्ड गोल्ड में क्या है कि जो लिक्विड है उसके ऊपर जो सोनेरी जो कलर रहता है, जो सो जैसे कि मतलब कि होली या डुलेटी में जो लगाते हैं मुंह के ऊपर वैसा ही कलर है, एकदम बेसिक सा। देख सकते हो यहाँ पे इतना गाढ़ा नहीं है, मतलब मिलने वाली वैसी क्वालिटी नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक ठाक मिल रहा है। अगर बिगिनर्स हो तो चलेगा, लेकिन एक मास्टर लेवल पर आप पेंटिंग करते हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा जो लुक देने वाला हो वो नहीं मिलेगा आपको। बाकी साइड में यहाँ पे क्रोम येलो मीडियम हो, मतलब मध्यम पीला रंग, जो मध्यम पीला रंग है ऑरेंज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मध्यम पीला रंग, मतलब ठीक है इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन है क्योंकि नींबू का कलर रहता है और मध्यम पीला रंग थोड़ा ऑरेंज का जैसा रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो मैंगो कलर रहता है फूल गाढ़ा, जैसे फूल पकने पर मैंगो हो जाता है ना फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पे है कलर।
यहाँ पे जो रेड कलर है, रेड मतलब रेड चिली, ये वाला कलर, मतलब ये वाला कलर थोड़ा हल्का कलर है, इतना गाढ़ा कलर नहीं है, गाढ़ा कलर दूसरा रहेगा, मतलब ये भी ठीक ठाक है। इसकी जो क्वालिटी चाहो तो मतलब एकदम फुल गाढ़ा नहीं है, लाइट गाढ़ा है, उस हिसाब से बेटर है। यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू मतलब ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर का ये जो कलर आप देख रहे हो ये अच्छा है, मस्त है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइटनेस आ रहा है, जैसे कि आप कलर को अच्छी तरीके से शेक करोगे तो उसका कलर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑरेंज कलर है, ऑरेंज मतलब फुल नारंगी, ऑरेंज ऑरेंज की जैसा रहता है वो, मतलब वो क्वालिटी आपको सेम यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। मतलब ये कैमलिन में अच्छा है कि जो एक्चुअल में दो तीन कलर्स है वही वेरिएशन मेरे को दिख रहा है, बाकी तो सेम जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ऑरेंज कलर अच्छा है, मस्त है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स मैजेंडा, जो कि कलर काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे मैजेंडा फ्लावर है जिसके ऊपर कलर्स लगाया है मैजेंडा, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ये कैमलिन में। सबसे ज़्यादा मेरे को यही पसंद आया कि ये मैजेंडा कलर है वो बहुत ही गाढ़ा कलर है। यहाँ पे साइड में फ्रेंड्स कैरेलियन ब्लू कलर है, आसमानी नीला, मतलब ये वाला कुकीज़, ये कलर भी काफ़ी बढ़िया है इसमें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। डॉम्स कलर और इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो डॉम्स कलर से थोड़ा बेटर है। बाकी यहाँ पे लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन हल्का हरा, यहाँ पे फ्रेंड्स नींबू का पिक्चर दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पे हल्का हरा, मतलब हल्का हरा ही है, गाढ़ा नहीं है। यहाँ पे वॉयलेट कलर, बैंगनी मतलब ये वाला फ्रूट्स, ये भी काफ़ी बढ़िया है कलर, इसमें भी नो डाउट कि डॉम्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यही बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे ग्रीन हरा, एकदम हरा, मतलब ये जो नींबू का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है वैसे ही है, एकदम हरा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है कलर्स। यहाँ पे क्रिम्सन, क्रिम्सन गहरा लाल, गहरा लाल मतलब कि ये जो है डाडम, मतलब इसमें जो बीज वगैरह हैं इसकी तरह ही एकदम लाल लाल है, एकदम एकदम ज़्यादा ही लाल है, गहरा एकदम, देख सकते हो यहाँ पे, ये भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे पर्शियन नीला, मतलब पर्शियन ब्लू कलर ऐसा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे पर्शियन ब्लू वैसा ही एकदम मस्त, वो भी इसकी क्वालिटी और इसका जो टेस्टिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी काफ़ी गहरा और अच्छा है कलर। यहाँ पे साइड में बर्नर्ड साइमा, जो गहरा ब्राउन रहता है वो भी है इस मिट्टी की तरह, लेकिन यहाँ पे जितना गहरा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है आपको, लाइक डॉम्स कलर से थोड़ा यहाँ पे मेरे को डाउन गिर रहा है, कि मतलब ये जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा पानी वाला जैसा है, मतलब कि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है, गहरा नहीं है। यहाँ पे गहरा ब्राउन लिखा है लेकिन ये इतना गहरा नहीं है। बाकी साइड में यहाँ पे ब्लैक कलर, जो ब्लैक पैंथर रहता है उतना ही कलर है, एकदम गहरा और गाढ़ा एकदम ब्लैक कलर है। तो फ्रेंड्स आज का रिव्यू मेरा इतना ही था, और ये सब कलर्स मैं आपको दिखा दिया, ये फ्रेंड्स आप कंपेरिजन कर सकते हो डॉम्स कलर के साथ। पिछले वाली वीडियो में दोनों के कंपेरिजन भी दिखाया है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने पूरा 18 सेट्स का कलर कैसा टेस्टिंग रहता है क्या नहीं, वो मैं आपको पूरा दिखा रहा था। ये वाली वीडियो में आप मेरे को सजेशन करना कि जो मैंने आपको बताया ये एक्चुअल में सही है गलत है, मतलब सबका नज़रिया अलग रहता है देखने का, कि मतलब आपके तरफ से देखोगे कई कई लोगों को कैमलिन कलर पसंद है, कई कई लोगों को डॉम्स कलर पसंद है, तो ऐसा ही फ्रेंड्स रहता है। लेकिन मैं अपना खुद का मतलब जेन्यून मैं एक्सपीरियंस में खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, कि मेरे को एक्चुअल में जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा था, कि कलर्स का वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता है मेरे नज़र से देखे तो। मैं दोनों कलर यूज़ किया इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपने भी दोनों कलर यूज़ किया होगा तो आपका वेरिएशन भी अलग अलग रहेगा, किसी को मतलब ये कलर कुछ और टेस्ट करोगे तो पता चलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स टेस्ट करके देखना आप, और फिर मेरे को बताना जो मैं एक्चुअल में रिव्यू दिया वो सही है गलत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको फुल्ली टोटली रिव्यू करके दिखा दिया है, पूरा टेस्ट करके दिखा दिया है, मतलब कलर कैसा है क्या नहीं। अब फ्रेंड्स मैं इसको प्राइस के बारे में बात करना चाहूँगा, कि आप ऑनलाइन से लेते हो तो आपको कैसे गिरेगा और ऑफलाइन से लेते हो तो कैसे गिरेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनलाइन का रेट यहाँ पे चल रहा है 255, यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 255 इसका रेट चल रहा है, और डिलीवरी चार्जेस है 59 रुपीज़, मतलब यहाँ पे टोटल हो रहा है 314 रुपया, और ऑफलाइन से आप ले रहे हो तो यहाँ पे गिर रहा है 265 रुपीज़। यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस करते हो तो हमारे यहाँ वापी सिटी में 59 रुपीज़ एंड डिलीवरी चार्जेस का ओनली, आपके सिटी में पहले चेक कर लेना कितना है क्या नहीं, उस हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। शायद हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था प्रोडक्ट, इसीलिए मेरा डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा है,
बाकी आपके सिटी में अगर डिलीवरी चार्जेस कम है तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो ये ऑफलाइन मार्केट से आप खरीदोगे तो भी अच्छा है, 265 रुपीज़ में ही गिरेगा आपको। दोनों में वेरिएशन इतना है कि अगर 59 रुपीज़ अंदर ऐड हो जाते हैं तो 314 रुपये हो जाएंगे, और यहाँ पे 265 रुपीज़ में आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, मतलब आपका 50 रुपये की यहाँ पे बचत हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स, दोनों में कंपेरिजन करके ही लो प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, पैसा 150 रुपये ज़्यादा चला जाएगा, बाकी अपने को 150 रुपये बचाना है। इसीलिए दोनों जगह से चेक करो और बाद में प्रोडक्ट को लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।